आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के बारे में और समझेंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंत तक लगभग 101 नए फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल कर चुकी होगी। अगर भारतीय वायुसेना की एग्जिस्टिंग फ्लीट की बात की जाए तो इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 7 स्क्वाड्रन में MiG-21 बाइसन है और ये फाइटर जेट साल 2025 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास में 6 स्क्वाड्रन में जैगवार फाइटर बॉम्बर हैं। ये IS और BS स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट हैं। इन एयरक्राफ्ट का टोटल नंबर 116 है। अगर MiG-29 की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट कुछ ही समय पहले UPG स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किए गए थे। भारतीय वायुसेना के पास में 62 ऐसे फाइटर जेट्स हैं और ये फाइटर जेट 3 स्क्वाड्रन में भारतीय वायुसेना के साथ में ऑपरेशनल है। अगर मिराज 2000 की बात की जाए तो ये फाइटर जेट भी कुछ ही समय पहले अपग्रेड किए गए थे और इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 47 ऐसे फाइटर जेट्स हैं और ये 47 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की 3 स्क्वाड्रन में ऑपरेशनल हैं। अगर SU-30 MKI की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में सबसे ज्यादा नंबर में ये एयरक्राफ्ट हैं। रशिया और HAL की तरफ से भारतीय वायुसेना को 272 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की जानी थी और पिछले साल ही HAL की तरफ से ये डिलीवरी कम्प्लीट कर दी गई थी। हालांकि इनमें से कुछ फाइटर जेट पिछले कुछ समय में क्रैश हुए हैं, लेकिन ओवरऑल MiG-21 बाइसन को छोड़कर ये सारे एयरक्राफ्ट काफी डिसेंट फाइटर जेट हैं और अपग्रेड के बाद में इनका पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेकर कई जगहों पर काफी डिटेल में लिखा गया है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछले कुछ समय से भारतीय वायुसेना की तरफ से अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को सस्टेन करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन प्रयासों के रिजल्ट्स अब आने लगे हैं। जब बात की जाती है फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट की तो आमतौर पर जो स्टेप्स लिए जाते हैं उनके रिजल्ट्स 3 से 5 साल के बाद ही देखे जा सकते हैं और भारतीय वायुसेना को लेकर जो स्टेप्स पिछले 5 से 7 सालों में लिए गए हैं उनके रिजल्ट्स काफी हद तक अब आने लगे हैं और इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना 101 नए फाइटर जेट्स अपने बेड़े में शामिल करेगी और ये नंबर आगे चल के बढ़ेगा ही। आइए समझते हैं इसको एक एक करके। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की तरफ से IOC स्टैंडर्ड तेजस की डिलीवरी ली जा चुकी है और FOC स्टैंडर्ड के 16 तेजस के ऊपर काम चल रहा है। ये FOC स्टैंडर्ड के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को आने वाले 9 से 12 महीने के अंदर डिलीवर कर दिए जाएंगे और इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के बाद में LCA तेजस का टोटल नंबर 32 हो जाएगा। इसके अलावा कल भारतीय वायुसेना को 3 और रफाल जेट्स मिले हैं। ये रफाल फाइटर जेट का 6 बैच है और इन फाइटर जेट के आ जाने के बाद में भारतीय वायुसेना के टोटल रफाल जेट बढ़कर 24 हो जाते हैं। वैसे इनिशियल डील के हिसाब से भारतीय वायुसेना को अपने 36 के 36 रफाल फाइटर जेट अगले साल यानी कि 2022 मार्च से पहले डिलीवर किए जाने हैं। हालांकि और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को देखते हुए दासो एविएशन की तरफ से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया है और इसी चीज को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस साल के अंत तक भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जा रहे 36 रफाल की डिलीवरी कंप्लीट कर दी जाएगी, यानी कि 32 तेजस एयरक्राफ्ट और 36 रफाल टोटल मिलाकर 68 एयरक्राफ्ट हो जाते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए रशिया से खरीदे जाने वाले 21 MiG-29 की तो इन 21 फाइटर जेट को लेकर रशिया की तरफ से कमर्शियल बिड भारत को सबमिट की जा चुकी है। इससे पहले पिछले साल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए 21 यूनिट MiG-29 अप्रूव कर दिए गए थे और अब जब रशिया की तरफ से ये चीज कंफर्म कर दी गई है कि उनकी तरफ से कमर्शियल बिड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट की जा चुकी है तो उस हिसाब से आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये प्रपोजल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगा और अप्रूवल के बाद में बहुत ही कम समय में ये 21 MiG-29 भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे, यानी कि 32 तेजस, 36 रफाल और 21 MiG-29 मिलाकर टोटल नंबर 89 का हो जाता है। और अगर सब चीजें सही रहती हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंत तक इन तीनों कैटेगरी के फाइटर जेट्स के इंडक्शन के साथ में भारतीय वायुसेना को 89 नए फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। लेकिन चीजें यहीं समाप्त नहीं होंगी। पिछले साल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 21 MiG-29 के साथ साथ 12 Su-30 MKI को लेकर भी अप्रूवल दिया गया है और इसके बाद से अगर सब चीजें सही समय पर और सही टाइमलाइन के साथ में आती हैं तो भारतीय वायुसेना के पास में आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर लगभग 101 नए फाइटर जेट होंगे और जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं ये नंबर आने वाले समय में बढ़ता चला जाएगा। हालांकि साल 2025 में भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन रिटायर होंगे, लेकिन ये एक अच्छी खबर है
क्योंकि ये फाइटर जेट काफी पहले रिटायर हो जाने चाहिए थे और तब तक शायद दो स्क्वाड्रन में भारतीय वायुसेना के पास में तेजस मार्क 1A अवेलेबल होंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी के लिए ये कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से पिछले 5 से 7 साल में जो एफर्ट डाले गए थे उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं ये नंबर आने वाले समय में और बढ़ेगा। इसी पॉजिटिव नोट पर आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के क्विज सेक्शन की तरफ। कल के वीडियो में हम लोगों ने आपसे पूछा था कि स्क्रीन पर दिया गया व्हीकल कौन सा सिस्टम है। इस क्वेश्चन का आंसर कई लोगों ने सही दिया है। ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल अभय है जिसको FICV प्रोग्राम के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर विकसित किया गया था। बिना एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के इस व्हीकल का वजन 23 टन का था लेकिन ERA पैनल लगाने के बाद में इस व्हीकल का वजन बढ़कर 25 टन का हो जाता था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम साल 1990 में शुरू किया गया था और साल 2001 तक एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर बना लिया गया था। स्क्रीन पर आपको जो व्हीकल दिख रहा है वो माइल्ड स्टील यानी MS प्रोटोटाइप है। इस प्रोटोटाइप को आर्मर से नहीं बनाया गया था। इसका कारण था प्रोटोटाइप की कॉस्ट को कम रखना। इस सिस्टम में यूज होने वाली मेन गन L70 ऑटो कैनन थी जो कि एक 40mm की ऑटो कैनन थी जो 210 राउंड कैरी कर सकती थी। इसके अलावा इसका सेकेंडरी आर्मामेंट एक 30mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर था। उसके अलावा ये 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरी करने में सक्षम था। 550 हॉर्स पावर के इंजन के साथ में इस व्हीकल का पावर टू वेट रेशियो 24 हॉर्स पावर पर टन था जिसके वजह से ये व्हीकल 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड अचीव करने में सक्षम था। लेकिन इस व्हीकल का सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट इसकी मेन गन थी। इसमें यूज होने वाली 40mm की ये ऑटो कैनन एक हाई वेलोसिटी कैनन थी जो कि APF-SDS राउंड और हाई एक्सप्लोजिव राउंड्स को आसानी से फायर कर सकती थी। उसके अलावा इस गन को एंटी एयर रोल में भी यूज किया जा सकता था यानी कि इसमें यूज होने वाली कैनन डुअल रोल के लिए यूज की जा सकती थी, एंटी आर्मर रोल और एंटी एयर रोल। ग्राउंड टारगेट के लिए इस सिस्टम की रेंज 2.5 किलोमीटर तक की थी, वहीं पर एरियल टारगेट्स के लिए इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक की थी। कंचन आर्मर के प्रयोग के कारण इस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का प्रोटेक्शन काफी बेहतरीन होता, साथ ही इसका वेट 23 टन के आसपास होता, यानी ओवरऑल ये काफी ज्यादा मीन मशीन थी। लेकिन बाद में ये चीज डिसाइड की गई कि भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल मेक इन इंडिया के अंडर बनाएगा और टेक्नोलॉजी बाहर से ली जाएगी और उस प्रोग्राम को आज की तारीख में FICV प्रोग्राम कहा जा रहा है। होप यही चीज टाटा और L&T के FICV प्लेटफॉर्म्स के साथ में ना की जाए। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर दिया गया सिस्टम कौन सा सिस्टम है? आप हमें इसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।